अज़ुबिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। ओके स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 12, लाइन बाई सेक्टर एंड एंगल बाई सेक्टर। लाइन बाई सेक्टर और एंगल बाई सेक्टर से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ लाइन, व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट, व्हाट इज़ रे। ठीक है, लाइन क्या होती है? लाइन लाइन हैज नो एंडिंग पॉइंट विच इज़ एक्सटेंडेड फ्राम बोथ साइड। ठीक है, लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट विच हैज टू एंड पॉइंट, विच हैज टू फिक्स पॉइंट, विच हैज टू स्पेसिफिक पॉइंट। अ रे एज वन एंड पॉइंट एंड इट इज़ एक्सटेंडेड फ्राम बोथ साइड, वन साइड एक्सटेंडेड फ्राम वन साइड, वन पॉइंट इज फिक्स्ड एंड अदर साइड इज एक्सटेंडेड। ओके, अब बेटा लाइन है क्या, लाइन का हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं क्योंकि ये बोथ साइड से एक्सटेंड है, इसलिए इसका हम मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते। लाइन सेगमेंट का क्या मिड पॉइंट निकाल सकते हैं? यस, इसके फिक्स पॉइंट है, इसके हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, और रे का भी मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। तो सो और सिर्फ एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा और वो यूनिक होगा, सिर्फ सिंगल मिड पॉइंट होगा। ओके जी, चैप्टर नेम है लाइन बाई सेक्टर। तो लाइन बाई सेक्टर क्या होता है? लाइन इज कॉल्ड अ लाइन बाई सेक्टर। एक लाइन को हम लाइन बाई सेक्टर कहते हैं ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन बाई सेक्टर एक किसी लाइन सेगमेंट की होगी, लाइन की या रे की नहीं होगी। विच इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के ये परपेंडिकुलर हो और उसको के मिड पॉइंट से पास करे। ऐसी लाइन जो लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर हो, मीन्स के 90 का एंगल बनाए और वो मिड से पास करे, ऐसी लाइन को कहते हैं लाइन बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। वट अबाउट एंगल बाई सेक्टर? ऐसे रे जो के किसी एंगल को, एनी रे विच डिवाइड द एंगल इंटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड आर एंगल बाई सेक्टर। बाई सेक्टर मीन बाई मीन टू सेक्टर मीन टू पार्ट्स, टू सेक्टर दो सेक्टर में, दो पार्ट्स में एंगल को जो डिवाइड करे उसे कहते हैं एंगल बाई सेक्टर। ठीक है, अब हमारा थेरम 12.1.1 है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। यहाँ तक आपको गिवन स्टेटमेंट है कि कोई भी पॉइंट अगर राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट हो, लाइन सेगमेंट के राइट बाई सेक्टर पे कोई भी पॉइंट लें, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, वो उसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा, वो उसके एंड पॉइंट से इक्वल होगा। ये आपकी एक लाइन सेगमेंट ए भी है, इसका ये लाइन बाई सेक्टर है। ठीक है, इस लाइन बाई सेक्टर पे कोई भी पॉइंट लिया मैंने पी, कह रहे हैं कि वो ए से पी तक का डिस्टेंस और बी से पी तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें अ लाइन एल एम, ये हमारी लाइन है एल एम। ठीक है, अ लाइन एल एम एंड अ पॉइंट, अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट पॉइंट सी, सच दैट ए सी इज इक्वल टू सी बी। पी इज अ पॉइंट ऑन एल एम, पी कोई भी पॉइंट है एल एम पे। अच्छा, प्रूव हमने करना है कि पी ए इज इक्वल टू पी ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन पी टू ए, पी से ए तक ज्वाइन करें और पी से बी तक ज्वाइन करें। ठीक है, अब स्टेटमेंट रीजन की तरफ आते हैं। अब आपके पास दो ट्राइंगल बन गए, ए ये पॉइंट है सी, ए सी पी और बी सी पी, ये दो ट्राइंगल हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल आपने इनके कंपैरिजन करना है, इनको इनके करस्पोंडेंस शो करनी है। अब देखें आपकी जो ये ट्राइंगल है, हम यहाँ से प्रूव करते हैं। आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए सी पी करस्पोंडेंस टू ट्राइंगल बी सी पी, ये आपकी स्टेटमेंट और यहाँ पे आप रीजंस लिखेंगे। इन दोनों को कंपेयर करना है तो देखें क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। हमें गिवन में कहा गया था कि ए सी और सी बी इक्वल है, ए सी इज़ इक्वल टू सी बी, ये हमें क्या था गिवन कि ये इसके मिड पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एंगल बी सी पी ये भी 90 का बन रहा है और बी पी सी बी भी और पी सी ए भी, एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल पी सी ए बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखें क्या है, पी सी बोथ में कॉमन है, पी सी इज इक्वल टू
पीसी, पीसी और पीसी क्या है, कॉमन। अच्छा, दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट शो करवाना हो तो क्या करना होता है, कोई सी तीन साइड्स, एंगल, एंगल साइड्स, ठीक है। अब हमने एक ये साइड और ये एक साइड, ये वाली, तो हमने तीन चीज़ें, दो साइड्स हैं और एक उनका इंक्लूडेड एंगल है। साइड एंगल साइड पास्टूलेट से ट्राइंगल ए सी पी इज इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी पी। आपने कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाना है, ठीक है। सो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इनकी क्रॉस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, इट्स मीन पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। आपने रीजन क्या लिखनी है, क्रॉस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, यही हमने प्रूव करना था और हमारा प्रूव हो गया। अब थ्योरम 12.1.2, इसी का कन्वर्स थ्योरम है। कन्वर्स थ्योरम मींस के पहले वाले थ्योरम में जो हमें गिवन था, अब इसमें हमने प्रूव करना है, और उसमें जो प्रूव करना था इसमें गिवन होगा। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कोई भी पॉइंट अगर एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट यहाँ से अगर इक्विडिस्टेंस पे हो, देन इज ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ इट, क्या ये अगर ये इक्वी डिस्टेंस है तो क्या ये राइट बाई सेक्टर पे भी होगा, टू पी बी, ये हमें गिवन है। प्रूव हमने क्या करना है, पी इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी, ए बी पे ये राइट बाई सेक्टर है, मीन्स जहाँ सी पे जो एंगल बन रहे हैं वो 90 के बन रहे हैं। अगर हमने ये प्रूव करना है कि 90 के एंगल बन रहे हैं, अगर 90 का एंगल बन रहा है तो इट्स मीन ये क्या है, राइट बाई सेक्टर है। ज्वाइन पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी आपने कहा है कि मिड पॉइंट है ए बी का, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। ओके जी, अब दो ट्राइंगल्स हैं इसी तरह पी सी ए और पी सी बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये गिवन है, पी सी कॉमन है और ए सी इज इक्वल टू बी सी, तीनों साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका ये जो एंगल है पी सी ए इज इक्वल टू होगा पी सी बी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और हमें पता है, और एक चीज़ और नोट करें, अगर पी सी ए और पी सी बी इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करें तो यहाँ पे ये देखें, अगर ये एंगल और ये एंगल अगर ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 180 का एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। इसका मतलब है पी सी ए प्लस पी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है 180 के। ये देखें ए सी पी और बी सी पी इक्वल है ये, और इनका सम जो है वो 180 है, इट्स मीन के एक एंगल भी 90 है और दूसरा एंगल भी 90 है, ठीक है। अगर ये एंगल्स 90 के इक्वल आ गए, अब पी सी और परपेंडिकुलर है पी ए बी के, कैसे पता चला, क्योंकि ए सी पी 90 डिग्री के इक्वल आ गया तो ये परपेंडिकुलर होगा तभी 90 के इक्वल आएगा, और सी ए सी बी इक्वल है, ये गिवन था हमें, कंस्ट्रक्शन हमने की थी। सो पी सी इज राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी। राइट बाई सेक्टर की क्या कंडीशन है कि एक तो वो मिड पॉइंट पे कट करे, इंटरसेप्ट करे, और दूसरा जो है वो राइट परपेंडिकुलर हो, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगी फ्रॉम 3 एंड 4। पी सी इज द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी, सो द पॉइंट पी ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।